एक ऑटो एम्बुलेंस सेवा से सीखा जा रहा था ड्राइविंग का हुनर। कैमरे में कैद होते ही सकपकाया व्यक्ति नहीं दे सका कोई भी जवाब। दो दिन पूर्व जिला अस्पताल के टीवी वार्ड ग्राउंड का है मामला। पूछने पर था कहना, जब गाड़ी चलाना नहीं आता, कंपनी कहती है लाइसेंस बनवाओ, तो फिर कहां से चलाएंगे? ऐसे तो हो सकता है कोई भी हादसा पता करते हुए करेंगी बात सीएमओ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक ऑटो एम्बुलेंस सेवा से सभी नागरिक भली भांति परिचित होंगे, जो कि गर्भवती महिला को घर से अस्पताल तक लाने और फिर उसे वापस घर तक छोड़ने के लिए मिलती है। इसके अलावा अच्छे इलाज के लिए गर्भवती महिला और शिशु को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक छोड़ा जाता है। वहीं क्या कहीं सुना है कि मानकों के विपरीत प्राइवेट और पर इसका प्रयोग ड्राइविंग सीखने के लिए भी किया जाता है। सुना नहीं होगा, लेकिन शहर के जिला अस्पताल के समीप बने टीवी वार्ड ग्राउंड में दो दिन पूर्व यह नजारा साक्षात देखा गया। एक ऑटो एम्बुलेंस चालक की सीट पर सवार एक व्यक्ति जो कि हाफ बनियान पहने हुए सुबह सवेरे टीवी वार्ड ग्राउंड में ड्राइविंग सीख रहा था, बराबर मैदान के चक्कर लगा रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि कई बार देखा गया कि कोई इमरजेंसी केस आने पर घंटों लग जाते हैं तो कहीं कोई समस्या आ जाती है, लेकिन प्राइवेट और पर इस तरह एक ऑटो एम्बुलेंस पर ड्राइविंग सीखने का अधिकार किसने दिया? देखा जाए तो कहीं न कहीं यह एक ऑटो एम्बुलेंस सेवा का दुरुपयोग है। वहीं जब इस एक ऑटो एम्बुलेंस को चलाते व्यक्ति से पूछा गया कि आपको यहां इस सीट पर किसने बिठाया, नाम क्या है, तो बताने से हिचकिचता रहा। हेलो जी, मैडम जी नमस्कार, मैं दैनिक आज अखबार से बोल रहा हूँ, पत्रकार लकी शर्मा। अच्छा, जी मैम जी, एक जानकारी थी, ये 102 एम्बुलेंस सेवा जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार द्वारा जारी की गई, तो क्या इस पर जो प्राइवेट तौर पर कोई व्यक्ति ड्राइविंग भी सीख सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो टीवी ग्राउंड में ये मामला संज्ञान में आया है, हमने उससे पूछा भी था, उसने कुछ बताया नहीं, बोला सरकार लाइसेंस नहीं देती तो कहाँ सीखेगा। तो ये मैम काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है काफ़ी इमरजेंसी में किसी सेवा के लिए जारी किया था, यहाँ टीवी वाट ग्राउंड में चक्कर लगाना काफ़ी देर तक, वो करीब एक दो घंटे तक, डेढ़ घंटे तक चलाता रहा निरंतर। हमने उसकी बाइट भी ली, पूछा भी, उसने नाम नहीं बताया, सैंडू बनियान पहन के, और ऐसा एक दो बार और भी देखा गया। हाँ, 102 नंबर था। हाँ, 102 नंबर ये जिला अस्पताल के पास जो टीवी वार्ड ग्राउंड बना हुआ है जहाँ एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं वहाँ का है। इसका वाहन संख्या है UP32EG0490। EG0490। हाँ, हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट को दे कैसे दी, चालक की सीट पर बैठा हुआ है वो। नहीं, बिल्कुल गलत है, और ये अपने आप ये जवाब देंगे, दिल वाले देंगे, है ना। और सिर्फ बाई चांस कोई बात हो जाए, कोई हादसा भी हो जाता है चलाने में, बिल्कुल, तो कौन जिम्मेदारी होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, है ना। जी बिल्कुल, मैंने की आपके, इसलिए मैंने की मैम आपके संज्ञान में लाना था। हाँ, मैं अभी इस बात पर, ठीक है, बात, ठीक है मैम, थैंक यू, ओके ओके। अरे आपके नाम क्या है आपका, इतने से आप गाड़ी घुमा रहे हो यहाँ पे, ये 102 एम्बुलेंस क्यों घुमा रहे हो, क्या नाम है आपका? अरे आप तो ऐसी बात कर रहे थे, बताओ हमें, जब गाड़ी चलाना नहीं आता कंपनी कहती लाइसेंस बनवाओ, तो सरकारी गाड़ी पर सीखोगे 102 पे, ये सरकारी 102 गाड़ी आप घुमा रहे हो इस ग्राउंड में इतनी देर से, आप इस पे गाड़ी सीखने के लिए बोला है आपके लिए? अरे सीखने के लिए नहीं बोला है, तो जब कंपनी लाइसेंस मांगती बताओ कहाँ से चलाएं। अरे कंपनी लाइसेंस मांगती है तो इस गाड़ी पे किसने बोला आपको चलाने के लिए? अरे बोला किसी ने नहीं। तो किसने दी आपको ये गाड़ी? किसी ने नहीं दी। आप इतनी देर से, मैं देख रहा हूँ आप इतनी देर से घुमा रहे हो इस टी बार ग्राउंड में घुमा रहे हो, आप किसने बोला है आपसे घुमाने के लिए? बोला किसी ने नहीं।